नाजरीन, हमारे जिस्म की साख्त ऐसी बनाई गई है कि हमारा जिस्म फालतू चर्बी या फैट को सबसे पहले हमारी बैली पर स्टोर करता है और इसके बाद वेस्ट लाइन पे और इसके बाद जिस्म के दूसरे हिस्सों की बारी आती है। यही वजह है कि कुछ लोगों के बाजू या टांगें तो पतली होती हैं, यानी वो ओवरऑल पतले होते हैं, लेकिन उनकी बैली निकली हुई होती है जो बहुत बुरी लगती है। तो इसकी वजह यही है कि इन पतले लोगों में जो थोड़ा बहुत फैट होता है वो उनकी बैली पर स्टोर होता है। अब आप ये सवाल करेंगे कि हमारा जिस्म हमारे हाथों, पैरों या फिर टांगों पे ये फैट स्टोर क्यों नहीं करता, बैली या वेस्ट पे ही क्यों? तो इसकी वजह यह है कि अगर ये वाला फैट हमारे हाथों या पैरों पे स्टोर हो जाए तो हमारे लिए दिन भर के काम करना या फिर चलना फिरना तक मुश्किल हो जाए। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपके हाथ के ऊपर आधा किलो का वज़न रख दूं और इस वज़न समेत आपको दिन भर के काम करने पड़ें तो यकीनन आपका हाथ फ़ौरन थक जाएगा और आपसे वो काम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इस तरह आपके हाथों को वो काम करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में यह हूबी रखी है कि ये नेचुरली वो काम करता है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। चूँकि बैली या हिप्स के ऊपर चंद किलो वज़न पड़ा भी रहे तो भी इसे कैरी करने में हमारे जिस्म को कोई खास दिक्कत नहीं आती। अब हमारा जिस्म फैट स्टोर क्यों करता है तो ये भी एक दफाई मैकेनिज़म के तौर पर होता है, क्योंकि जब हम भूखे होते हैं या फौरन हमें कुछ खाने को नहीं मिलता या हमें इतनी ताकतवर खुराक नहीं मिल पाती कि जिससे हम डेली की एक्टिविटीज़ जारी रख सकें, तो ऐसी सूरत में हमारा जिस्म इसी स्टोर शुदा फैट से एनर्जी लेता है और इसे इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर यही फैट एक हाथ से ज़्यादा हो जाए तो ना सिर्फ बुरा लगता है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी डैमेजिंग होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 8 टिप्स दूंगा जिन पे अमल करके आप अपनी बैली को बिल्कुल फ्लैट बना सकेंगे, और ये ऐसे टिप्स नहीं हैं कि जिन्हें फॉलो करने के लिए आपको अपने आप को टॉर्चर करना पड़े, ये बिल्कुल आसान टिप्स हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें। अपना बैली फैट कम करने के लिए सबसे बेहतरीन काम जो आप कर सकते हैं वो शुगर का कम से कम यूज़ है। शुगर कम खाने की अहमियत को वाज़े करने के लिए मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपको शुगर कम खाने या एक्सरसाइज में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना पड़े तो एक्सरसाइज के बजाय शुगर कम खाने को चुनिए। अब शुगरी फूड्स खाने में मसला यह है कि शुगर वाली चीज़ें ना सिर्फ खाते हुए मज़ा आता है बल्कि थोड़ी सी शुगर कंज्यूम करने से आपका दिल करता है कि मज़ीद शुगर वाली चीज़ें खाते जाएँ, और जब आप आदतन शुगर वाली प्रोडक्ट्स खाते रहते हैं जैसे बिस्किट्स, आइसक्रीम या केक वगैरह, तो वक्त गुजरने के साथ साथ आपके अंदरूनी सिस्टम को सेहतमंद और नेचुरल शुगर का जायका, यानी वो शुगर जो फ्रूट्स या सब्जियों में पाई जाती है, उस शुगर का जायका ना होने के बराबर लगने लगता है, और आपको अपनी शुगर क्रेविंग्स को सेटिस्फाई रखने के लिए मज़ीद आर्टिफिशियल शुगर खानी पड़ती है जो आपके वज़न के बढ़ने का सबब बनती है। इसकी वजह यह है कि शुगर खाने से हमारे जिस्म में इंसुलिन की मकदार बढ़ती है, और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो जिस्म में फैट को इकट्ठा करने का सबब बनता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको अपनी ज़िंदगी से सारी स्वीट डिशेज निकालनी होंगी। आप हफ्ते में एक दफ़ा स्वीट डिश या आइसक्रीम वगैरह खा सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अपने मीठे खाने की तलब को फलों और सब्जियों के ज़रिए पूरा करें। नंबर 2, प्रोसेस्ड फूड्स कम से कम खाएं। प्रोसेस्ड फूड से मुराद है बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, शवारमा, विंग्स या इस किस्म की दूसरी चीज़ें जो बाज़ार में तैयार की जाती हैं। ये चीज़ें सिवाय पेट भरने के, यानी हेल्थ वाइज आपको कोई खास फ़ायदा नहीं देती। इस किस्म के फूड्स में घर के खानों की नस्बत कैलरीज की तादाद कहीं ज़्यादा होती है, जो खाने से सिर्फ आपके मोटापे में इजाफा होता है। तो आपको इस किस्म के फूड्स खाना भी छोड़ना होगा, और अगर आपका ज़्यादा ही दिल करे ऐसा कुछ खाने को तो उसे ज़रा हेल्दी तरीके से घर में तैयार कीजिए और खा लीजिए। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि घर पे ऐसी चीज़ें तैयार करने से कहीं ज़्यादा आसान है कि ये चीज़ें बाज़ार से मंगवा ली जाएं, यानी इतना स्यापा कौन करे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपको ये थोड़े थोड़े स्यापे करने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये छोटी छोटी एहतियातें नहीं करेंगे तो आपका वज़न जितना है उतना रह सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वज़न का कम होना मुश्किल है, सीधी सी बात है। नंबर 3, सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स को तरजीह दें। सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स की मिसालों में खीरा हो सकता है, गाजर, बंद गोभी या फिर इस तरह की और सब्जियां जो कच्ची खाई जा सकती हैं या फिर फल भी हो सकते हैं। ऐसे फूड्स का फ़ायदा ज़्यादा होता है लेकिन इनमें कैलोरीज की डेंसिटी कम होती है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। जैसे अगर आप ओरियो का एक बिस्किट लें तो इसमें तकरीबन 40 कैलोरीज होती हैं। इस तरह अगर आप बंद गोभी को छोटा छोटा काट कर एक कप बना लें तो इस कप में भी तकरीबन 40 कैलोरीज होती हैं। अब अगर आप 3 कप इस बंद गोभी या मिक्स सैलड के खा लें तो हो सकता है कि आपका पेट भर जाए, लेकिन अगर आप इस बिस्किट के 10 या शायद 20 पीस भी खा जाएं तो भी शायद आपका पेट ना भरे। अब अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आप सैलड से पेट भरना पसंद करते हैं तो हो सकता है कि 100 से 200 कैलोरीज में आपका पेट भर जाए,
यानी 2 से 4 या 5 कप सैलड आप खा लेंगे। लेकिन अगर आप बिस्किट्स या पेस्ट्रीज वगैरह खा के पेट भरने को तरजीह देंगे तो इससे आप सैलड की निस्बत कहीं ज़्यादा कैलरीज खाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर पेट भरने के लिए आपको 10 से 20 बिस्किट्स खाने पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप 400 से 800 कैलरीज खाएंगे, तो इन 200 कैलरीज और 800 कैलरीज का फ़र्क आप खुद निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात भी है, वो ये कि बिस्किट या ऐसी फूड्स को आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जल्दी हज़म करता है, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में होती हैं, इसलिए आपको भूख भी दोबारा जल्दी लग जाती है। जबकि इस बंद गोभी या सैलड वाली मिसाल में इन चीज़ों को हज़म करने के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा टाइम लगता है। नंबर 4, एडिड शुगर वाली अशिया का इस्तेमाल बंद कर दें। एडिड शुगर वाली अशिया की मिसालों में कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगे, एनर्जी ड्रिंक्स या जूस वगैरह भी इसी में आएंगे। जूस के डब्बों में मौजूद जूस या कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स में मौजूद ड्रिंक्स कई कई महीनों तक ख़राब नहीं होते, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो इन ड्रिंक्स को इतने लंबे अरसे तक ख़राब होने से बचाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आर्टिफिशियल हैं और आपके खाने के लिए अच्छे नहीं हैं। अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि दुकान से पेप्सी वगैरह की बोतल नहीं पीते और उसी दुकान से कोई एनर्जी ड्रिंक खरीद कर पीते हैं और ख़ुद को तसल्ली देते हैं कि चलें इसका कोई फ़ायदा है, हालांकि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ज़्यादा फ़ायदा तो आपको सादा पानी पीने से हो सकता है। इसी तरह बाजारी जूस पीने से अच्छा है कि आप थोड़े से फ्रूट्स और दूध ब्लेंडर में डालें और कोई जूस खुद बना के पी लें। नंबर 5, ज़्यादा पानी पीना। ज़्यादा पानी पीना ओवरऑल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इस पर काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक आपको इस कोने में मौजूद आई के बटन पर मिल जाएगा, लेकिन इस पॉइंट में आपको ये बताना मकसूद था कि बहुत से लोग ज़्यादा पानी पीने को वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं और इस उम्मीद पे बेतहाशा पानी पीते हैं कि इससे उनका वज़न कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ज़्यादा पानी पीने से आपके मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ज़रा तेज़ होता है, नतीजे में आपको 50 या 100 कैलरीज का फ़ायदा हो जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ज़्यादा पानी पीने के दूसरे फ़ायदे की खातर आप ज़्यादा पानी ज़रूर पिएं, लेकिन अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो सिर्फ पानी पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए साथ में आपको दूसरी बातों पर अमल करना होगा जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 6, अपने हेल्दी खानों का जायका बेहतर करें। जैसे मैंने ऊपर आपको सैलड या मिक्स सैलड बनाने की मिसाल दी है, तो आप इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करके इसे टेस्टी बना सकते हैं। तो ऐसे सेहतमंद खानों का टेस्ट बढ़ाते हुए इसके फ़ायदे में मामूली सी कमी आएगी, लेकिन ये इससे अच्छा है कि आप ऐसे खानों को बाद जायका होने की वजह से खा ही ना सकें। लिहाजा हेल्दी खानों को अपने लिए टेस्टी बनाने के लिए एक हद में रहकर उनका जायका अच्छा कर लिया करें। नाजरीन, वेट लॉस के बारे में पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें यह था कि आप सोते हुए कैसे ज़्यादा कैलरीज को बर्न कर सकते हैं और अपने वज़न को मेंटेन रख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको आई के बटन पर भी मिल जाएगा और नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी। नंबर 7, कोई बेहतियाती करने से पहले अपने पेट को फुल कर लें। अक्सर बंदे का कोई ऐसी चीज़ खाने को दिल करता है जो वेट लॉस के लिए अच्छी नहीं है, या हो सकता है कि कहीं पर आपकी दावत हो जहाँ पर आपको इस तरह का खाना खाना पड़े। तो अगर कोई ऐसा मौका हो तो कोशिश करें कि इस तरह की बेहतियाती करने से पहले अपने पेट को फुल कर लिया करें, ताकि जब आप बेहतियाती वाला खाना खाएं तो ऑटोमेटिकली आपसे थोड़ा खाना खाया जाए। नंबर 8, एक्सरसाइज करें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। नाजरीन, बहुत से लोग वज़न कम करने के मामले में एक्सरसाइज को ही सब कुछ मानते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। मैंने जिम में बहुत से लड़कों को देखा है जो बेतहाशा हैवी एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उनका वज़न कभी कम नहीं हुआ, जिसकी मेरे ख्याल में 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि वो वर्जिश तो करते हैं लेकिन खाने पीने में एहतियात नहीं करते। दूसरा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से उन्हें अपना स्टैमिना अच्छा रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुराक खाना पड़ती है, और जितनी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ये लोग करते हैं उन्हें उतनी ही ज़्यादा भूख भी लगती है। तो क्या फ़ायदा अगर आप एक्सरसाइज करके 500 कैलोरीज बर्न करते हैं लेकिन साथ ही ज़्यादा खा के वो 500 कैलोरीज दोबारा अपने जिस्म में ले जाते हैं। तो जितने भी लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनको मेरी एडवाइस ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें। एक्सरसाइज उतनी करें जितनी आप बहुत ज़्यादा थके बगैर कर सकें, क्योंकि अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज भी करेंगे तो इससे 200-300 कैलोरीज बर्न होंगी, और थोड़ी सी बेहतियाती से आप इन बर्न की गई कैलोरीज को दोबारा अपने जिस्म का हिस्सा बना लेंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज बेशक थोड़ी कम कर लें, लेकिन कोशिश करें कि खुराक के मामले में बेहतियाती कम से कम करें। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल पर हेल्थ के मौजू पर ही एक और वीडियो भी मौजूद है कि सुबह की 7 ऐसी आदतें
जिन्हें हम अच्छा समझते हैं लेकिन हकीकत में ये आदतें अच्छी नहीं हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आइंदा आप किस मौजू पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं अमूमन यहीं से देखता हूँ कि आइंदा किस मौजू पर वीडियो बनाई जाए। खुदा हाफिज़।